अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होममेड जेली बनाने की रेसिपी, और इसको मैं बनाऊँगी विदाउट जेलेटिन। यानी कि मैं इसको बनाने के लिए अगर अगर यानी कि चाइना ग्रास का इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही आसानी से जेली घर पर बनकर तैयार हो जाती है, तो चलिए देखते हैं होममेड जेली किस तरह से बनाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। तो जेली बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, इसमें मैंने लिया है 10 ग्राम अगर अगर, यानी कि इसको चाइना ग्रास भी बोलते हैं। और ये देखें, ये इस तरह के पैकेट्स में आता है। ये देखें अगर अगर इस पर लिखा हुआ है। आप चाइना ग्रास बोलकर भी मार्केट में इसको ले सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी से ये ग्रॉसरी शॉप्स पर मिल जाएगा, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आधा कप मैंने शक्कर ली है, तकरीबन 100 ग्राम, और आधे नींबू का रस इसमें इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून मैं इसमें फूड एसेंस यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर पाइनएप्पल फ्लेवर एक यूज़ करूँगी, और दूसरा फ्लेवर मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के कोई से भी फ्लेवर्स यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर रेड फूड कलर और ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के फूड कलर्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी चॉइस के ले सकते हैं आप दोनों चीज़ें। तो चलिए जेली बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में हम लेंगे 2 कप पानी, यानी कि 500 ml हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे, और इसी के साथ साथ हमें इसमें डाल देना है जो हमने अगर अगर लिया हुआ है, यानी कि जो हमने चाइना ग्रास लिए वो भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आप पाउडर फॉर्म में अगर अगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप 2 टीस्पून चाइना ग्रास का यानी कि अगर अगर का इस्तेमाल करिएगा। अब हमें इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है, जब तक चाइना ग्रास मेल्ट नहीं हो जाती है। हमें इसको मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है। 6 से 7 मिनट में ये अच्छे से इसमें घुल जाएगा, और ये जो धागे दिख रहे हैं ये दिखना बंद हो जाएंगे, ये बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर। अभी इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट में और थोड़े धागे दिख रहे हैं, तो अभी हम इसको और पकाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं चाइना ग्रास पानी में एकदम अच्छे से घुल चुकी है, और बिल्कुल भी अब उसके रेशे नहीं दिख रहे हैं। तो इस पॉइंट पर हमें इसमें डाल देनी है शक्कर। मैं यहाँ पर 1/2 कप शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 3/4 कप शक्कर डाल सकते हैं। और शक्कर के इसमें घुल जाने तक 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। 1.5 से 2 मिनट शक्कर के घुल जाने तक हमने इसको और पका लिया था। अब हमें इसमें निचोड़ देना है नींबू का रस, और गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको, और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम गरम गरम मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैं 2 तरह की जेली बना रही हूँ, 2 तरह के फ्लेवर्स की। आप ज़्यादा पार्ट में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर की जेली बना सकते हैं। तो दोनों को मैंने बराबर पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब मैं एक में डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी एसेंस, और इसी से मिलता जुलता इसमें कलर डाल देंगे। तो मैंने इसमें डाला है रेड फूड कलर, और जो दूसरा मैंने पोर्शन लिया है उसमें हम डालेंगे पाइनएप्पल फ्लेवर। तो 1 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस मैं इसमें डालूंगी, और इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन कलर। आप चाहें तो येलो कलर भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिला देंगे, और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। फिर इसको हमें 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है सेट करने के लिए, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, नीचे की साइड में रखना है। और हमारी जेली जो है वो सेट हो चुकी है, तो अब हमें इसको कट कर लेना है। अपने मनचाहे शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। आपको बड़े पीसेस चाहिए हैं तो बड़े कट कर लें, या फिर छोटे कट कर सकते हैं। और हमारी एकदम परफेक्ट जेली बनकर सेट हुई है, बनकर तैयार हुई है, ये देखें। तो मैं इसको छोटे छोटे से स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ, और आप देखेंगे कितनी परफेक्ट जेली हमारी बनती है इस तरीके से। बिल्कुल बाज़ार की जो पैकेट्स में आती है जेली, उससे कम नहीं बनती है ये, उससे भी ज़्यादा ही अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। ये देखें कितनी परफेक्टली हमारी जेली सेट हुई है, और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं। ये देखें कितना परफेक्ट इसका टेक्सचर आया है, बहुत अच्छी हमारी जेली बनकर तैयार है। ये देखें हमारी दूसरी जेली भी कितनी अच्छी सेट हुई है, बहुत परफेक्ट जेली इस तरीके से बनती है। ये देखें हमारी एकदम परफेक्ट जेली बनकर तैयार है। बहुत से डेजर्ट्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लबे शीरी में आप इसको यूज़ करें, या फिर आप कस्टर्ड ट्रैफल में इसका यूज़ करें। बहुत से डेजर्ट्स इससे बनाए जा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी जेली की रेसिपी पसंद आई होगी।